आज अपने सामने है ये हीरो की एक नई स्कूटी जूम एक्सेल वेरिएंट में है। हेडलाइट्स जो है एलईडी में ही है। अगर ये दो कीज इसके सिंपल सा नॉर्मल सा, सीट की कुशनिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है। लगता है ये एलुजन में दोनों इंडिकेटर्स अच्छी चीज़ें, मेन स्टैंड आता है इस गाड़ी में, कीक आता है सेल्फ के अलावा, आप किक से भी स्टार्ट ऑलवेज आते हैं। टायर्स में आप लोग देखिए, बहुत सारे स्कूटी में जो है सिंपल जैसे कार्स में व्हील आते थे, व्हील रिम्स वैसा कुछ नहीं, कुछ ऑफर्स भी रहते हैं। आप एक्सेसरीज ले लो, हेलमेट ले लो, जो भी चीज़ आपको चाहिए एज पर योर यूजेज आप ले सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपने सामने है ये हीरो की एक नई स्कूटी जूम एक्सेल वेरिएंट में है, जो कि 110 सीसी की आती है, एक इसकी 125 भी आती है, बट अभी अपने पास 110 वाली अवेलेबल है। तो हम जो है आज इसके वॉक अराउंड करेंगे, इसके जो बातचीत है वो डिटेल में करेंगे। तो ये बाइक के अगर इंजन और पावर फिगर मैं आप लोग बता दूँ तो 110.9 सीसी की ये स्कूटी है, ठीक है, और 10.15 पीएस का पावर जनरेट करती है और 10.70 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। 53 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। ड्रम ब्रेक में आती है ये गाड़ी। अब इसका सामने से अगर बात करी जाए तो एज़ यूजुअल स्कूटी के जो चीज़ नॉर्मल होती है वो है यहाँ पे एक विंड डिडक्शन है, जो कि एयर इनटेक वाला चीज़ पता नहीं है कि नहीं, ऐसे ही दिया गया है। यहाँ पर इंडिकेटर्स हैलोजन में, यहाँ पर हीरो की एक बेजिंग 3D में, और नंबर प्लेट की हाउसिंग, हेडलाइट्स जो है एलईडी में ही है, ठीक है, अप एंड डाउन, और आगे मडगार्ड पे फेंडर पे लिखा हुआ है जूम। नीचे इसके टायर जो हैं आपको मिल जाएंगे 80x90 12 इंचेस के MRF के टायर्स है, और ये i3S सपोर्ट करती है, और मोस्टली ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में आती है, CBS में आती है। आप ब्रेक लोगे तो जो है दोनों ब्रेक अप्लाई होगा, पीछे वाला लो और ये लो, 60-40 का इनका हिसाब रहता है। यहाँ पे दोनों मिरर्स आ जाएंगे और ये लीवर्स है, मुझे लगा एडजस्टेबल है बट एडजस्टेबल नहीं है ये, ठीक है। ये लॉक सिस्टम है, हाँ ये लॉक होता है गाड़ी का, ताकि स्कूटी आप कहीं पर खड़ी करो तो ये दबा दो, ये गाड़ी है लॉक में, अगर निकालना है तो यहाँ से निकाल दोगे, वो चीज़ है। अब इसके मीटर पे आते हैं तो ज़रा सा इधर आ जाइए। मीटर LED में आता है, एक मोड का बटन मिलता है, एक सेट का बटन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इग्निशन मिल जाएगा, ये दो कीज़ इसके सिंपल सा नॉर्मल सा, इसी में लॉक होता है, इग्निशन ऑन ऑफ। यहाँ पे दो बड़े बड़े पॉकेट्स, आप ये कह सकते हो कि स्टोरेज इसमें अच्छा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई चार्जिंग अभी यहाँ आगे नहीं है, हो सकता है अंदर हो। एडजस्टेबल फुटरेस्ट, और यहाँ पे कुछ चार्ज कर, हाँ है ना, ये देखिए सिंबल यहाँ पे दिया है, नीचे USB टाइप यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, ये यहाँ पे सिंबल भी बनाया गया है। आप इसमें चार्ज करके यहाँ पे फ़ोन यहाँ पे डाल लो, चार्ज करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ स्पेस सामान रखने के लिए, और ये होल्ड करने के लिए इसमें कोई पन्नी वन्नी है, कुछ बैग टांगना हो तो टांग के ऐसे लॉक करके वो यहाँ पे पड़ा रहेगा, कोई गिरने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। सीट की कुशनिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है, और बाहर का नॉइज आ रहा होगा थोड़ा सा, आप लोग उस चीज़ को अवॉइड करें, एक सेकेंड। और इसका पीछे कोई ग्रैबरेल नहीं है। इसका एक चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये फ्यूल टैंक जो है अंदर दिया गया है, ये बाहर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, सामान जैसे कुछ इस पे है लोडेड है तो उतरना पड़ेगा, तो ये उसके लिए हो गया। इसमें बूट लाइट भी है, बूट लैंप अभी जल नहीं रहा है क्योंकि इग्निशन जो है ऑफ है। ये स्टोरेज अच्छा खासा मिल जाता है, इसमें बैटरी और बहुत सारी चीज़ें हैं इस स्कूटी की रिगार्डिंग जो इसी में अंदर दी गई है, जो है वो अंदर दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है आप लोगों को। अब ये जो है बंद हो गया, पीछे आते हैं तो आपको ये LED में बैक लाइट्स, ठीक है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर, ये हैलोजन में दोनों इंडिकेटर्स, आगे भी हैलोजन में ही, नंबर प्लेट की हाउसिंग, यहाँ पे हीरो लिखा हुआ, ये एक मड फ्लैपर बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा। और अब पीछे आते हैं तो सस्पेंशन आपको ड्यूअल नहीं मिलते हैं, सिंगल सस्पेंशन मिलता है। ये सिस्टम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक सस्पेंशन पे स्कूटी टिकी कैसे है, ठीक है। पीछे के टायर साइज अगर हम देखें तो MRF का टायर है, और ये भी वही सिस्टम है, 180 और 12 इंचेस के टायर है। अच्छी चीज़ है, मेन स्टैंड आता है इस गाड़ी में, किक आता है सेल्फ के अलावा, आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हो,
ठीक है। और इधर से आ जाइए तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा पैनल पे जूम लिखा हुआ एक वाइट कलर में है, FI प्रोग्राम्ड है ये, और ये एग्जॉस्ट भी दिया गया है बहुत अच्छे से। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और अगर अलॉयज आते हैं टायर्स में, आप लोग देख लो बहुत सारे स्कूटी में जो है सिंपल जैसे कार्स में व्हील आते थे व्हील रिम्स, वैसा कुछ नहीं अलॉयज आ रहे हैं। अभी इसमें मिरर नहीं लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ होता तो बहुत अच्छी लगती है। अब फाइनल अगर इसके प्राइसिंग की हम बात कर लें तो ये 110 cc है जूम XL 75,286। दिस इज़ एक्स शोरूम प्राइस ओनली। आप अपने शहर में जहाँ पे भी रह रहे हो स्टेट में आप जाकर पता कर सकते हो कि ऑन रोड प्राइसिंग जो है इसकी क्या है, ठीक है। तो अभी मैं हूँ श्री राघव ऑटोमोबाइल में और इस बाइक पे मतलब इस स्कूटी पे कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है, 3,000 रुपये का। आप आओगे तो आपका जो भी फाइनल अमाउंट बनेगा ऑन रोड उसमें से 3,000 रुपये जो है इस गाड़ी में डिडक्ट हो जाएंगे, या फिर आप एक्स शोरूम में डिडक्ट करा सकते हो, आपके ऊपर है। कुछ कुछ ऑफर्स भी रहते हैं यहाँ पे, एसेसरीज ले लो, हेलमेट ले लो, जो भी चीज़ आपको चाहिए एज पर योर यूजेज आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें, अगर ये स्कूटी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा सा कमेंट डालिए। और कुछ चाहिए इसके रिगार्डिंग तो हमें वो भी कमेंट डाउन कर सकते हो आप। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय महाकाल।